दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका संजीव TDCI में। और आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं, कॉजिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं। कि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है खुद कार्य न करके दूसरे से वो कार्य को करवाता है, है ना। जैसे खुद कार्य न करके क्या, जैसे मैंने उससे है ना खाना मंगवाया, तो मैंने खुद नहीं किया, उससे किया, करवाया, ठीक है। तो उस तरह के सेंटेंसेस कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनको देखिए कैसे आप बनाएंगे। तो उसमें आप जो है मेक, मेड, इस तरीके से गेट, काज, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करके उसको बनाएंगे। देखिए, मुकेश ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, है ना। तो उस वो खुद थोड़ी दौड़ा, तो घोड़े को दौड़ाया भाई, लगाम खींचा, हाँ, स्ट्राइक किया उसको। तो मुकेश ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, उसने मीना से एक पत्र लिखवाया, उन्होंने मुझसे एक गीत गवाया भाई, हाँ, जबरदस्ती फोर्स किया। लेकिन यहाँ प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं कैसे, देखिए। तो मुकेश ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, ठीक है। तो किस तरीके से आप करेंगे उसको करते हैं ना। तो यहाँ सबसे पहला रहेगा मुकेश, यहां पे दौड़ाया ना, मेड हिज हॉर्स, हाँ, रन फास्ट, ठीक है। मुकेश मेड हिज हॉर्स रन फास्ट, इस तरीके से। फिर क्या है, उसने मीना से एक पत्र लिखवाया, ये पहला था आपका। फिर दूसरा, ही मेड मीना, ही मेड मीना राइट अ लेटर, उसने मीना से एक पत्र लिखवाया। तो किस तरीके से आप जो है कॉजिटिव वर्ब का यूज करके, गॉट का यूज करके, मेक का यूज करके, है ना, आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए, जैसे था ना आपका कि उसने मीना से एक पत्र लिखवाया, ठीक है। सो ही गॉट अ लेटर रिटन बाय मीना, ठीक है। अब उस देखिए, यहाँ पे मेड का यूज हुआ, यहाँ पे गॉड का यूज हो रहा है ना। फिर उन्होंने मुझसे एक गीत गवाया, ठीक है। सो उन्होंने, सो दे मेड मी सिंग अ सॉन्ग, उन्होंने मुझसे एक गीत गवाया। फिर चौथा क्या है, रमेश ने अपनी कार मुझसे धुलवाई ना, ठीक है। तो रमेश अपनी कार मुझसे धुलवाई कैसे, तो यहाँ रहेगा रमेश, यहाँ भी गॉट लगाइए, गॉट हिज कार वॉश्ड बाय मी, अर्थात मेरे द्वारा धोई गई, ठीक। उसने बच्चे को हंसाया, तो यहाँ पे बच्चे के हंसने का कारण यहाँ काज का यूज करेंगे, है ना। सो ही काज्ड चाइल्ड टू लाफ, यहाँ पे यहाँ इस तरीके से आपने देखा। प्रेरणार्थक क्रियाएं इतनी ही नहीं है, और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फिलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना छोटा सा मैटर आपके लिए काफ़ी है। अब आप आगे बनाइए उसके हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।